यात्रा कैसी रही ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी तक बहुत सुखद रही। 15 साल में कई उतार चढ़ाव देखे, पर सपना ये था कि भारत में हर व्यक्ति अपनी खुद की भाषा में कंप्यूटर पे काम कर सके, और वेब दुनिया का जो पोर्टल है वो उसका एक सिर्फ अंश है, वो उसकी शुरुआत थी, क्योंकि उसी के साथ हमने मेल, चैट और उस समय प्रचलित अन्य जितने भी उपकरण या टूल्स जिन्हें कहते हैं इंटरनेट पे, वो भी साथ साथ लॉन्च किए थे। तो कोशिश ये थी कि एक आम आदमी एक अंग्रेजी के कीबोर्ड को यूज़ करके और खुद भी चाहे तो हिंदी में अपनी बात, या अंग्रेजी भाषा के कीबोर्ड को यूज़ करके तमिल में, तेलुगु में, कई भारतीय भाषाओं में अपनी बात कह सकें। 15 साल में कई बार ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं, अब शायद एक जिसे हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना चाहिए, कि जो डेटा कंजम्पशन है या जो टूल्स का यूटिलिटी है या जिसको कहते हैं कि एक यूज़र की ग्रोथ है, वो ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से कि फिर वो स्वतः चलती रहे। तो 3-4 बार ऐसा मौका आया इस बीच इस दौरान जब ऐसा लगने लगा कि अब वो शायद पॉइंट आ जाएगा, पर वो पॉइंट अब संभव हुआ है पिछले 1.5 से 2 साल में। हमने इस बीच में कोशिश ये भी करी कि जो जो टेक्नोलॉजी का विकास हम करें वो सिर्फ वेब दुनिया के लिए काम नहीं आए। शुरू से ही हमने उस जमाने में रीडिफ बड़ा पोर्टल था, इंडिया टाइम्स एक बड़ा पोर्टल था, लाइकोस करके एक सर्च इंजन हुआ करता था, तो इन सारे लोगों से कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटेजिक टाई अप करके और कोशिश ये करी कि ये लोग भी टेक्नोलॉजी में अडेप्टेशन करें और अपनी साइट्स पे, अपने पोर्टल पे, अपनी मेल सेवाओं में कहीं ना कहीं भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करें। और मुझे खुशी है कि शुरू से ही हमें उस मामले में निरंतर सफलता मिलती रही। आर्थिक दृष्टि से कई बार नहीं मिली, पर जुड़ाव होता रहा। जैसे जब सिम्प्यूटर लॉन्च हुआ बेंगलोर में, तो सिम्प्यूटर लिनक्स पे था, तो लिनक्स पे पहली बार हमारी कंपनी ने यह प्रयास किया कि लिनक्स का जो कीबोर्ड है उसे हिंदी में इनेबल कर लिया जाए। इसके अलावा जब माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश करी कि भाई ऑफिस को हिंदी भाषा में लॉन्च किया जाए, तो हमारे सतत प्रयासों से हम उनके साथ जुड़ गए। तो उनकी भारतीय भाषा की इस प्रयास में वेब दुनिया लगातार उनका एक प्रेफर्ड पार्टनर बना रहा। तो ऐसे कई मील के पत्थर बनते गए पिछले 15 साल में, और ये जर्नी काफी सुखद रही और बहुत सीखने वाली भी रही और बहुत सिखाने वाली भी रही। अंग्रेजी के अलावा सिर्फ भाषाओं में ही काम करना चाहिए, वो विचार कहाँ से आया? विचार तो मुझे लगता है कि विचार क्यों नहीं आया लोगों के मन में, ये मुझे तो आश्चर्य लगता है, क्योंकि देखिए भारत का जो पूरा सोशियो पॉलिटिकल या जिसको कहते हैं कि सोशल सेटअप है, पॉपुलेशन का जो सेटअप है, जो हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स है, यदि हम उसमें देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। शायद 5-7% और होंगे जो समझ सकते हैं सीमित रूप से। तो इसका मतलब 85% लोग ऐसे हैं जो जिन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो अनभिज्ञ हैं। आप तो ये छोड़िए, 30% तो लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय भाषाओं का भी लिखने का ज्ञान नहीं है, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। पर वो जो बचे हुए लोग हैं, जैसे 30% उनको हटा दें हम, 15% अंग्रेजी वाले हटा दें, तो जो 55% भारतीय बच जाता है, क्या वो कभी भी जिसे हम कहते हैं सांख्यिकी का या डेटा का उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा? तो यदि वो प्रयोग नहीं कर पाएगा तो वो प्रगति कैसे करेगा? और मैं तो 10-12 साल से इस बात को अलग अलग फोरम पे कहता आया हूँ कि जो अगली दिशा इस देश की तय करेगा वो ये तय करेगा कि हम डिजिटल डिवाइड को कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का की क्रांति है, इससे जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। और विकास के पथ पर यदि हमें बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को कंप्यूटर युग से जोड़ा जाए, ये तो निश्चित ही है। और जोड़ने का एक ही माध्यम है कि उन्हें ऐसी भाषा में जोड़ा जाए जो वो समझते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ क्योंकि कंप्यूटर अंग्रेजी में उपलब्ध है तो हम लोगों को अंग्रेजी सिखाएं, क्योंकि वो उनका एक सेटअप है पूरा। भाषा में एक आदमी का कल्चरल सेटअप है, उसका ट्रेडिशनल सेटअप है, उसका एक पारिवारिक सेटअप है, उसका एक ट्रांजेक्शनल सेटअप है, तो उसका हिस्सा बनना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उस समय भी हम देखें तो अन्य देश हैं, जैसे आप छोटे देश में इसराइल को ले लें, अरेबियन कंट्रीज को ले लें, थाईलैंड को ले लें, पूरा यूरोपियन यूनियन ले लें, तो हर जगह भाषा का प्रचलन था। हम लोगों के यहाँ उस समय सीडैक के जरिए एक्सपेरिमेंट्स होते थे,
पर कहीं कोई कंपल्शन नहीं था। आप उस जमाने में भी थाईलैंड में कंप्यूटर नहीं बेच सकते थे जब तक थाई का सपोर्ट नहीं हो, या आप यदि अरब वर्ल्ड में कंप्यूटर बेच रहे हैं तो अरेबिक सपोर्ट के बिना नहीं बेच सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो चूंकि ये एक अलग जिसको कहते हैं डिबेट का विषय था कि भाई भारतीय भाषा बोलें तो किसको बोलें, तो यदि गवर्नमेंट सोचे भी कि भाई कंपलसरी कर दो कोई भाषा तो हिंदी करने से तो होता नहीं, उसके पीछे एक राजनीति चालू हो जाती। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया, और इसलिए ये होता गया कि भाई जहाँ जहाँ यूज़ करना है कंप्यूटर भाई आप अंग्रेजी में यूज़ कर लो, ऐसे लोग ढूंढ लो जो डेटा एंट्री इंग्लिश में कर सकते हैं, ऐसे लोग ढूंढ लो जो उस रिपोर्ट को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा अंश जो है हमारी आबादी का छूटता जा रहा है, और स्वाभाविक है यदि इसमें कुछ काम किया जाए। और दूसरा है कि उसमें बहुत थियोरिटिकल काम करने की ज़रूरत नहीं थी, आम बोलचाल की भाषा में उनको सपोर्ट मिले, एक सिंपल फॉर्म में उनको सपोर्ट मिले, जिसको कहते हैं ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस जो है वो बहुत सरल हो जाए। तो जितना सरलीकरण होगा उतना आदमी उसको अडेप्ट करेगा। तो हम बहुत थियोरिटिकली इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़े कि भाई कीबोर्ड किस तरह का हो, तो हमने तो शुरुआत में करा भाई शुरुआत में शायद वही आदमी जो अंग्रेजी जानता है वही हिंदी का काम करेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी भी जानता है और कंप्यूटर से भी वाकिफ है, पर हिंदी में काम करना चाहता है या हिंदी में अपने कोई ना कोई सूचना या जानकारी या खबर का वो ही वांट्स टू कंज्यूम। इसको हम डॉट कॉम बस्ट कहते हैं, लेकिन वेब दुनिया ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो ये पूरी 15 साल तक अपनी जो भाषा का परचम है उसको लेकर आगे बढ़ता रहा और आज भी वो सफलता के साथ यहाँ पर कायम है इस जगह पर? इसमें मेरे ख्याल से इस बात का श्रेय कि वेब दुनिया 15 साल पूरे कर रहा है, या कहना चाहिए अब तो कर चुका है, और क्योंकि 23 सितंबर 1999 को हमने पोर्टल लॉन्च किया था, काम तो उसके भी 1.5 साल पहले से चल रहा था, तो प्रयास के तो 15 साल नहीं 16 साल पूरे हो गए। इसके 2-3 कारण हैं कि ये जिसमें हम कहते हैं कि ऑल वेदर कंपनी बन पाई। अधिकतर कंपनियां क्या होता है कि आप गुड वेदर कंपनी होती हैं या फेयर वेदर कंपनी होती हैं, एंड देन देर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट कैन राइड द वेव। तो शुरुआत में तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि वी रोड द वेव और हमें इन्वेस्टर्स मिल गए, वॉल्डन हमारी कंपनी में इन्वेस्टर के रूप में आया और हमें उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। एक प्रकाश भालेराव जी करके हैं, रेनबो एंटरप्राइजेज उनकी फंड्स हैं, और उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने और वॉल्डन ने साथ में इन्वेस्ट किया। शुरू में जिन लोगों से हमने बातचीत करी, चाहे वो सत्यम ऑनलाइन, सिफी, रीडेफ, इन लोगों ने हमारे सेवाएं लेना चालू करी, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई। और हमारा शुरू से एक मिक्स्ड मॉडल था कि हम टेक्नोलॉजी या IPR पे भी काम करेंगे और पोर्टल भी चलाएंगे। तो पोर्टल तो शुरू से हमारे लिए लॉस मेकिंग रहा, पर टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बिजनेस, बाद में लैंग्वेज कंटेंट सर्विसेज, लैंग्वेज लोकलाइजेशन सर्विसेज, इनके चलते कहीं ना कहीं हमें जिसको कहते हैं आय का स्रोत बना रहा कंपनी में। फिर भी पहले 3-4 साल तक कंपनी कभी भी एक ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं आई, इसलिए हम इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट थे। बाद में IFC भी इसमें इन्वेस्टर के रूप में आया, पर 2002 में जब एक डाउनटर्न आया तो इन्वेस्टर्स का भी रुख थोड़ा सा कड़ा हुआ और थोड़ी मुश्किलात तो आई। पर उस समय हमने क्या किया कि पोर्टल की करीब करीब सारी एक्टिविटी हमने भी जिसे कहते हैं कि मंद गति पर कर दी, उसे एक जैसे एक स्वयं जितना चल रहा है उतना चल रहा है, उस पर कोई नया इन्वेस्टमेंट रोक दिया और जितने एक मार्केटिंग बजट्स को बिल्कुल कट कर दिया, और सारा जो कंपनी का फोकस है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे शिफ्ट कर दिया। इत्तेफाक से उसी दौरान रिलायंस इन्फोकॉम का नया नेटवर्क लॉन्च हो रहा था, और कहीं पढ़ने में ऐसा आया था कि रिलायंस ये चाहता है कि उनके नेटवर्क पे एक बहुत बड़ी जो आय का स्रोत हो वो डेटा के थ्रू आए। तो उस बात से उत्साहित होकर हमने उन लोगों से संपर्क किया और कॉन्टैक्ट के जरिए जो बात आगे बढ़ी वो ये आई कि भाई हाँ, हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो हैंडसेट्स हैं उस पर शुरू से ही भारतीय भाषाओं में आदमी न्यूज़ भी प्राप्त कर सके, बॉलीवुड की खबरें भी देख सके, क्रिकेट भी देख सके, अपना भविष्य भी देख सके, अन्य कई इस तरह की उसे सुविधाएं या जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस उपलब्ध हों। तो उस जमाने में यदि मैं कहूँ तो पहला वैस प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में रिलायंस इन्फोकॉम पे आया, उसे उन्होंने नाम दिया था आर वर्ल्ड। एक चाबी, एक बटन हुआ करता था जिसे आप दबाने से एक इंटरनेट पोर्टल खुल जाया करता था। आज के पोर्टल से बहुत वो रूडिमेंट्री था, बहुत ही कमतर था, पर शुरुआत थी और डे वन से वो इंडियन लैंग्वेजेस में था। तो वो हमारे लिए एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि लाइफलाइन जैसा काम हुआ। करीब 1.5-2 साल तक हमें उससे एक लगातार ऐसी आय होती रही जिससे कंपनी अच्छी बढ़ती रही। उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि इंटरनेट का एक फेज 2 आ रहा है, तो हमने पुनः फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू किया कि भाई इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पोर्टल को फिर से बढ़ावा देते हैं।
फिर एक बार 2009-10 में स्थिति ऐसी आई कि वापस इंटरनेट इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन होने लगी। ये वो टर्न ऑफ इवेंट्स था जब सोशल मीडिया और ये चीज़ें आई नहीं थी और ट्रेडिशनल मीडिया जो पोर्टल है वो क्वेश्चन हो रहा था कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसमें क्या एक्चुअली एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगी। तो हम लोगों का तो हमेशा एक ही रहा कि भाई हम दो चीज़ जानते हैं, हम भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी करना जानते हैं और कंटेंट के जरिए एक अच्छा पोर्टल चलाना जानते हैं। तो जब जब प्रेशर आया तब तक हमने पोर्टल की गतिविधि को धीरे कर दिया और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करके और उसे कमाने का एक जरिया बना के कंपनी को चलाते रहे। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का रहा जिन्होंने इस सपने को साथ में देखा। जो शुरुआती दिनों के कुछ साथी हैं वो आज भी वेब दुनिया का उतना ही हिस्सा है जितने उस दिन थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हकीकत तो ये कि उन लोगों को चूंकि इसमें विश्वास था कि इसका अल्टीमेटली एक फ्यूचर है, सिर्फ बात समय की है, और विश्वास के साथ उनमें इतना धैर्य था कि वो भी इतने समय तक रुक सकते थे, ये शायद सबसे बड़ा इसका एक जादू है कि उस तरह के लोग मिल गए और उन लोगों के जुड़े होने की वजह से ही मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि बीच में ऐसा समय भी आया कि हमें बिना सैलरी के लोगों को 3-3, 4-4 महीने कैरी करना पड़ा। एक ऐसा समय था जब हमने कंपनी की मीटिंग में ओपनली कहा भाई हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, इसलिए हम किसी को भी निकालना नहीं चाहते हैं, पर हम सबकी सैलरी अक्रॉस द ब्लॉक कम कर देंगे और सीनियर डाउनवर्ड्स हम लोग पेमेंट डिफरमेंट लेंगे कि जब जब यदि पैसा कम होगा तो नीचे से सैलरी बांटना चालू करेंगे, जब सरप्लस होगा तभी ऊपर वाले लोगों को सैलरी देंगे। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारे कई सीनियर लोगों को 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली। भगवान की दया रही आज वो स्थिति नहीं है, हम लोग आज एक बहुत अच्छे फ्यूचर की उम्मीद रखते हैं। पर मुझे लगता है इस पूरी जो टीम है इसका एक ऐसा योगदान रहा जिसने एक देश को सेवा ही करी है, एक भारतीय भाषा को ये रिकॉग्निशन लाना। आज बहुत आसान लगता है कि आप गूगल के सर्च के बॉक्स में जाएं, आप टाइप कर दीजिए कि आप कैसे हैं और जैसे ही आप डबल ए टाइप करते हैं तो आप और आपका और ऐसे वर्ड्स का आपको रेफरेंस मिल जाता है। पर 1999 और 2000 के ई पत्र के टाइपिंग कीबोर्ड में भी ये सारी सुविधाएं थी। ये अलग बात है कि उस समय इंटरनेट इतना तेज नहीं था, कंप्यूटर्स इतने तेज नहीं थे, मेमोरीज कम हुआ करती थी, तो इस तरह का ऑटोमेशन जब हम देते थे तो उसमें राउंड ट्रिप जिसको बोलते हैं वो इतनी स्लो होती थी कि कस्टमर को कभी कभी झल्लाट भी होती थी और लगता था बहुत स्लो है। तो कोई बहुत उन्होंने इसमें मैजिक नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जो हम नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई चीज़ है, बल्कि हमारा एक पेटेंट डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जो हमने फाइल किया है वो पेटेंट अंडर कंसिडरेशन था, उसमें ये सारी चीज़ें अंकित हैं कि कैसे आप टाइप अहेड कर सकते हैं हिंदी में, कैसे कॉमनली यूज वर्ड्स को ज़्यादा ईजिली एक कीबोर्ड के मार्फत आप अपने इनपुट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे तो खुशी है। देखिए ये हमारे लिए तो मिशन था, कमाने का जरिया तो देखिए हर बिजनेस को होना ही चाहिए, पर ये एक मिशन था और उस मिशन के नाते ये भी हम मानते हैं कि एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। कभी भी कोई एक अकेला किसान किसी क्षेत्र में किसी एक चीज की अच्छी खेती नहीं कर सकता है, उस पूरे क्षेत्र का आपको एक ऐसा विकास करना पड़ता है एनवायरमेंटली, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे सॉइल क्वालिटी हो, चाहे वहाँ के जो वातावरण है या वेदर है उसका अकाउंट में लेके, और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी या जिसको कहते हैं बिल्ड करनी पड़ती है कि वो फसल उस एरिया में हो सके। तो इसलिए आप देखेंगे कि वो उसको हम एक फार्मिंग इकोसिस्टम कहेंगे। वैसे ही ये एक लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम बनना ज़रूरी था, जिसका अल्टीमेट अचीवमेंट ये था कि वो यूज़र उस पर आए, और वो तभी संभव था जब बहुत लोग मिलकर इसमें काम करते हैं। मुझे खुशी है कि आज विकी भी हिंदी में अवेलेबल है, गूगल का सर्च हिंदी में अवेलेबल है, फेसबुक पे आप हिंदी में काम कर सकते हैं, आप ट्विटर में हिंदी में ट्वीट कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स साइट पे अभी तक तो नहीं हुआ है पर अल्टीमेटली ई कॉमर्स भी आप हिंदी में, जब आप दुकानदार से जाके किराने की बात हिंदी में करते हैं तो आप ई कॉमर्स भी हिंदी में ही करेंगे, और ई कॉमर्स की अधिकतर साइट्स अब धीरे धीरे आप देखिएगा भारतीय भाषाओं में सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 15 साल तो कठिन थे पर इंजॉयबल थे। अब रियल टेस्ट वेब दुनिया का भी, हमारे देश के विकास का भी और हमारे आम नागरिक का भी ये है कि हमें कैसे कैसे वेब दुनिया और अन्य कंपनियां टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती जाएं और हम कैसे कैसे इन्हें जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें ताकि वो लोग उत्साहित हों कि इस मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में पैसा लगाएं ताकि हमें बेहतर से बेहतर ह्यूमन मशीन इंटरफेस भारतीय भाषाओं में मिल सके। मुझे बहुत उम्मीद है कि जो 15 साल में हुआ वो शायद अगले 15 महीने में ही हो जाएगा। जितने आज हिंदी या भारतीय भाषाओं के यूज़र्स हैं, मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ कि ये जो यूज़र्स पिछले 1.5 दशक में आए हैं ये अगले 1.5 साल में आ जाएंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आ जाएंगे
और मुझे लगता है वेब दुनिया या वेब दुनिया में जो काम करने वाले साथी थे उनके लिए रियल मेजर ऑफ सक्सेस यही रहेगा कि क्या उतने लोग आज हमारे यहाँ इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, क्या वो स्मार्टफोन के जरिए, टैबलेट पीसी के जरिए या डेस्कटॉप के जरिए, अन्य डिवाइसेस के जरिए जहाँ भी एक ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, क्या वो भारतीय भाषा में डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इनपुट कर रहे हैं, क्या एक पूरा हमारा इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें हेल्थ, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, मौसम की जानकारी, मंडी की जानकारी, उस पर होने वाली बैंकिंग, उस पर होने वाले ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, वो हर भारतीय भाषा में जिस दिन उपलब्ध हो जाएगी तो वेब दुनिया का सपना सचमुच साकार हो जाएगा। वेब दुनिया से जुड़े हुए तमाम जो उपयोगकर्ता हैं, जो वेब दुनिया इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका एक संदेश? डिजिटल मीडिया में तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं तो एक बहुत लिमिटेड फील्ड में काम करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि वी विल द न्यू जनरेशन, जैसे एक 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक चीज चालू हुई थी जिसे हम कहते हैं एज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और पूरे विश्व का भविष्य, चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन थी, चाहे वर्ल्ड वॉर टू थी, और इनके इसके बीच में और उसके बाद होने वाले जो विकास के दौर आए उसमें जो ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन थी या ग्लोबल रीच थी, वो इस पूरे सिविलाइजेशन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है डिजिटल मीडिया का रोल, दिस इज गोइंग टू बी द सेंचुरी ऑफ द डिजिटल मीडिया। एजुकेशन के मायने बदल जाएंगे, मुझे किताब में क्या पढ़ा है वो कहीं भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मैं कोई चीज़ की जानकारी किस भरोसेमंद सोर्स से प्राप्त कर सकता हूँ। ह्यूमन माइंड को ट्रेन होना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको ग्रैस्प करके, एनालाइज करके, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको जिसे हम कहते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाइड साइंस का युग होगा, और अप्लाइड साइंस के लिए अब आदमी को थ्योरी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको उस एप्लीकेशन अवेलेबल थ्योरी को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की जो उसकी स्किल्स है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। यही नया इन्वेंशन का दौर आएगा, यही नई ग्रोथ का दौर आएगा, यही नई कम्युनिकेशन का दौर आएगा, यही नई सोसाइटी के बिल्डिंग का दौर आएगा। अब आदमी प्लेइंग फील्ड पर कर्म जाता है, बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है, वो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है जिनको वो जानता नहीं है, क्योंकि उसके विचार मिलते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जानना अब जरूरी नहीं रहा। जैसे हम एक जमाने में गाँव में या छोटे शहरों में फिजिकल चौपाल हुआ करती थी, अब एक इंटरनेट चौपाल जैसा हो गया माहौल। जो ट्रेडिशनल एंकर्स हैं, जो ट्रेडिशनल शो होस्ट हैं, उनका रोल कम हो जाएगा। गूगल हैंगआउट से या इस तरह की अन्य आने वाली प्रॉपर्टीज में आदमी खुद मिलकर अपना एक शो बना लेगा जिसमें खुद ही आपस में होस्ट या एंकर हो जाएंगे या बिना एंकर के हो जाएंगे। तो लिमिटलेस पोटेंशियल है इसमें, ना कोई कास्ट है, ना कोई क्रीड है, ना जेंडर है, ना कोई कलर है, ना कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। विचार आपको शेयर करने के लिए एक जिसे कहते हैं लिमिटलेस एंड बाउंड्रीलेस मीडियम मिल जाएगा, और आई थिंक अगले सोसाइटी के विकास में, आज हमें नहीं दिख रहा है बट मेरे ख्याल से इसके नतीजे जल्दी ही दिखने लग जाएंगे। कुछ सोसाइटीज़ में दिखने को मिला है उसका पॉजिटिव रिजल्ट, अभी तक बहुत आया ऐसा कह नहीं सकते, पर जो इजिप्ट में हुआ, साइप्रस में हुआ, लीबिया में हुआ, उसमें उस क्रांति में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। अभी मुझे नहीं लगता सोसाइटी मेच्योर्ड है, क्योंकि अभी चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं है, तो वो भी आ जाएगा। और वेब दुनिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, चाहे आप हिंदी में देख रहे हैं, चाहे तमिल में देख रहे हैं, चाहे आप तेलुगु में देख रहे हैं, चाहे मलयालम में देख रहे हैं, आपका जो सपोर्ट है, और खुशी होती है कि कई ऐसे लोग जिन्होंने 1999 में हमें ईमेल भेजी थी वो आज भी हमें ईमेल भेजते हैं। 1999 की ईमेल्स के भी मेरे पास अभी तक फोल्डर्स बने हुए हैं, और उनमें से जो कई नामों को मैं देखता हूँ कि उनकी मेल्स आज भी फीडबैक के रूप में आती हैं, तो मुझे खुशी होती है कि वेब दुनिया की हमारी इंटरनल ताकत के अलावा एक बहुत बड़ी एक्सटर्नल ताकत है, और वो आप लोग हैं। आपकी संख्या निरंतर बनी रहे, बढ़ती रहे, बस यही मुझे उम्मीद है। और आपकी यदि हमसे कोई उम्मीद है तो ज़रूर एक ईमेल लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर खरे उतरें।